शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सृष्टि का सार है तन, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। वंश अब चंद पलों का मेहमान है, अब उसका सफर परलोक जाकर ही खत्म होगा। अगर मेरे वंश को कुछ हो गया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देखो मोक्ष, अरे मार डाला मेरे भाई को। कुछ नहीं होगा मेरे वंश को। माँ, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपने मन में विश्वास की जोत जलाए रखना। देखिए मिसेस कुमार, आई एम वेरी सॉरी, हम वंश को बचा नहीं सके।
लेती हूँ, जोर से मदद लेती हूँ, मैं किसी और से मदद मांगती हूँ, मैं किसी और से मदद तुम्हारा दुश्मन धराशायी हो चुका है, वंश इज डेड। अच्छा मुझे अच्छे से बताओ, कितना तड़पा वो, कितना चीखा, कितना चिल्लाया? चलो मोक्ष, बताओ मुझे वहां का हाल। मैं तुम्हें यहाँ के हर एक पल की खबर देता रहूंगा नताशा, लेकिन फिलहाल वंश की मौत का मातम तो मना लो। भाई लगना तो चाहिए, अभी अभी आंखों के सामने छोटे भाई ने दम तोड़ा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं नताशा। वंश अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत खुश। आज हमने उसकी बेटी का सुहाग छीन लिया है और वो अपनी बेटी का सुहाग नहीं बचा पाई। बहुत खुश आज मैं, बहुत खुश। खुश तो मैं भी बहुत हूँ पापा, आज मैंने भी अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। वंश तुमने बहुत गलत किया जो तुमने मुझे टुकरा दिया, और तुम्हारी इस बेहुदा जिद की वजह से जीते जी तो मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगा पाई। लेकिन अब तुम्हारी मौत की राख मैं अपने मांग में जरूर सजाऊंगी। मैं जानती हूं कि आप मुझे समझ रहे हैं और आप
सारी बातें समझ भी रही हूँ और यूं खामोश रहकर मुझे आप बहलाने की कोशिश मत कीजिए। वंश, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। वंश, चलिए उठिए अब आप, चलिए उठिए, उठिए वंश, वंश उठिए ना। ये रात तो अभी भी गर्म है, लेकिन कैसे? देखिए, आज आपकी कोई भी जिद नहीं चलेगी, समझे आप? माँ, माँ, अब आप ही नहीं कुछ समझाइए ना, इनसे कहिए ना कि आपकी बेटी के साथ ऐसे छल ना करें, और इनसे कहिए कि ये मुझे अपना ले, क्योंकि माँ आपकी ये बेटी है ना, इनके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती इनके बिना। पानी डालने के बावजूद राख अब तक गर्म कैसे है पापा? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था बेटी कि इस हवन कुंड में वंश की जीवन अग्नि प्रज्वलित है। अगर राख अभी भी गर्म है, इसका मतलब वंश की जीवन अग्नि अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई, उसके शरीर में अभी तक जान बाकी है। पापा प्लीज, आप पहेलियां मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए कि इसका मतलब क्या है। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा बेटी, जबकि मैंने माता को मात देने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी, फिर कौन सी कसर बाकी रह गई जिसने वंश की जीवन अग्नि को बुझाने से रोक लिया? आप सुन रही है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे। माँ, इन्हें जाने से रोक लीजिए, मैं नहीं जी सकती इनके बिना, नहीं जी सकती। आखिर वो कौन सा धागा है जिसने वंश के प्राणों को बांध लिया? माँ, कम से कम आप तो अपनी बेटी के साथ छल मत कीजिए, मत कीजिए मेरी बातों को अनसुना, माँ मत कीजिए। हो ना हो, वो ऐसा ही धागा है जिसे मेरी तांत्रिक शक्तियां भी नहीं तोड़ पाई। माँ, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि आप और वंश मेरी बातों को अनसुना कर रहे हैं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी माँ। माँ, मैं ये कभी नहीं सह पाऊंगी कि आपने मेरी को मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं सह सकूंगी माँ। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे वंश के शरीर से उसके प्राण पूरी तरह से मुक्त हो जाए। लेकिन कैसे पापा? ध्यान से सुनो मोक्ष, हमारा मिशन अब तक अधूरा है, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। रिलैक्स नताशा, हमारा मकसद पूरा हो गया है, वंश मर चुका है। ऐसा तुम्हें लगता है मोक्ष, मगर उसके शरीर में अब तक जान बाकी है, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या? वैष्णवी, Oh
भगवान का शुक्र कि आप वापस आ गए, वरना एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे दूर हो गए थे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा वैष्णवी, हर पल हर लम्हा मैं तुम्हें अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। लेकिन वंश, सब कहते हैं कि आप तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, साथ था और साथ रहूंगा। वादा? हाँ वैष्णवी, वादा। अब मुझे जाना होगा वैष्णवी, जो चंद लम्हे में उधार में लाया था वो अब गुजर चुके, अब मुझे जाना होगा। पर वंश, अभी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं अपना वादा निभाऊंगा वैष्णवी, लेकिन अभी मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं वंश, रुक जाइए, मत जाइए मुझे छोड़कर। वैष्णवी, हमारा प्यार अमर है। वंश रुक जाइए, वंश। हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। वंश, तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। उसके शरीर का खाक में मिलना बहुत ही जरूरी है। Come on, नताशा। एक बेजान मुर्दा शरीर तुम्हें डरा क्यों रहा है? वंश मर चुका है और वो अब जिंदा नहीं हो सकता। जिंदा हो सकता है मोक्ष, तुम नहीं जानते जिस तरीके से हमारे काले जादू ने वंश के शरीर से उसके प्राण छीन लिए हैं, ठीक उसी तरह उस वैष्णवी की माता भक्ति और उसके सत्यत्व की ताकत से वंश के मुर्दे शरीर में भी एक बार फिर प्राण फूंक दिए जा सकते हैं। देखो मोक्ष, मैं अपनी मंजिल के इस आखिरी मोड़ पर आकर किसी भी चमत्कार से मात नहीं खाना चाहती, इसलिए तुम्हें उसके शरीर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो नताशा? मरे हुए इंसान जिंदा नहीं होते। बहस मत करो मोक्ष, बस मुझे इतना बताओ कि तुम बाजी पूरी खेलना चाहते हो या अधूरी। ओके ओके ओके, वंश का दाह संस्कार हो जाएगा। गुड।